दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है एक खिलाड़ी तीन अनाड़ी। ये मकड़ी रानी की कॉमिक है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। एक खिलाड़ी तीन अनाड़ी। अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही थी और अपराध उन्मूलन संस्था की तिकड़ी के लिए घर बैठे छुट्टियां बिताना मुश्किल हो रहा था। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। अभी स्कूल खुलने में एक महीने का शेष समय शेष है और सिवाय मक्खियां मारने के हमारे पास कोई काम नहीं है। यह तो बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? क्या मतलब यह है कि हमें घर बैठे बोर होने की बजाय तफरी करनी चाहिए। तुम्हें तफरी और खाने के अलावा कुछ सूझता भी है तो तुम यह बैठकर मक्खियां मारो, मैं चला। पर यह तो बताते जाओ कि तुम जा कहाँ रहे हो। शहर में मेला लग रहा है, मैं वहीं जा रहा हूं। वो फिर तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो विजय, आज तो टिंगू का दिल रख ही लो। ठीक है, तुम कहते हो तो कहते ऐसे रहो जैसे तुम मेले में जाकर मुझ पर एहसान करोगे। इससे पहले कि विजय टिंगू की बात का जवाब देता, अजय हस्तक्षेप करता हुआ बोला, न, अब तुम आपस में लड़ना शुरू मत कर देना। मैं तो कुछ बोला भी नहीं हूं अजय, तुम तो सदा चुप रहते हो। बोलता तो सिर्फ मैं हूं, इस लिलीपुट को चुप कराओ अजय, वरना तुम क्या कर लोगे? मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। इतने 30 मार खा हो तो आओ, मुकाबला हो जाए। वो तो अब चींटी के भी पर निकलने लगे। फट, कहने के साथ ही विजय ने हवा में छलांग लगा दी। लेकिन इससे पहले कि विजय की ठोकर टिंगू का थोबड़ा सहला देती, टिंगू गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए फर्श पर लेट गया। और फिर आह, क्यों पैरे सिगड़े, कैसी रही? अभी मजा चकाता हूं घुटके तुझे। परंतु इससे पहले कि विजय दोबारा टिंगू पर आक्रमण करता, खबरदार कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे। आए चोरी, ऊपर से सीना चोरी। महाशय, ये हमारा घर है, हम हिले या नाचे तुम्हें इसे क्या? पहले यह बताओगी तुम लोग हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम लोग किसी गलत इरादे से आए हो तो गलत जगह पर आए हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो रिवॉल्वर फेंक दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बकवास बंद करो और यह बताओ, उसे तुम लोगों ने कहाँ छुपा रखा है? उसे किसे? बनने की कोशिश मत करो लड़को, हमें पूरा यकीन है कि वैसी कोठी में घुसा है वो। तो ये बदमाश किसका पीछा करते हुए यहाँ आए हैं? कौन है वह? ये बदमाश उसके पीछे क्यों लगे हैं? अजय, विजय और टिंगू को खामोश देख रिवॉल्वरधारी अपने साथी को संबोधित करता हुआ बोला, जुबेर, हो सकता है इन्हें उसके अंदर आने की खबर न हुई हो। तुम कोठी की तलाशी लो, वह जरूर कहीं छुपा बैठा होगा। ठीक है, तुम इन लौंडों पर नजर रखो, मैं उसकी खबर लेता हूं। इतना कह जुबेर कमरे से बाहर निकल गया। लगभग 15 मिनट बाद जुबैर वापस लौटा तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। क्या हुआ? मैंने कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन लगता वह हमारी आंखों में धूल झोंककर निकल गया है। मेरा भी यही ख्याल है, पर वह भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमारे हाथों से बचकर जाएगा कहाँ? और फिर आओ चले। जुबैर रिवॉल्वरधारी का अनुसरण करने लगा। बाहर निकलते ही जुबैर ने कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। दरवाजा बाहर से बंद किए जाने के आभास होते ही टिंगू गुस्से से भरकर बोला, इन बदमाशों की यह जरूरत कि हमें हमारे घर में बंद कर गए और हम कुछ भी नहीं कर सके। गनीमत समझो कि उसने हमें गोली नहीं मारी। अगर मुझे अजय भैया के घर और फर्नीचर का ख्याल न होता तो तुम नहीं जानते मैं उन बदमाशों की क्या हालत करता। फिलहाल तो मैं तुम्हारी क्या दशा करने वाला हूं इसका अंदाजा लगा घुटके। तभी अजय उन्हें टोकता हुआ बोला, तुम लोग आपस में लड़ना छोड़कर यह सोचो कि अब हमें क्या करना चाहिए। पहले तो हमें इस कमरे से बाहर निकलने का उपाय सोचना चाहिए। इसके लिए तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कमरे में खुफिया रास्ता है जहां से होकर हम बड़े आराम से डैडी के स्टडी रूम में पहुंच सकते हैं। तो फिर ने काम में देरी क्यों? मेला देखने नहीं चलना है क्या? तुम्हें मेले की पड़ी है?
जरा उस आदमी की भी सोचो जिसे ढूंढते हुए वे बदमाश यहां आए थे। कौन है वह आदमी? यही तो पता लगाना है। सिर्फ यही नहीं, अब यह पता लगाना भी जरूरी हो गया है कि वे बदमाश उससे क्या चाहते हैं। फिलहाल तो मैं यह पता लगाना चाहिए कि वह आदमी है कहाँ। हो सकता है वह यही कोठी में कहीं छुपा हुआ हो सकता है। आओ पहले इस कमरे से बाहर निकलते हैं। फिर अजय ने मेज पर रखी प्रतिमा को जैसे दाहिनी ओर घुमाया। सर वाह, क्या तिलिस्मी दरवाजा बनवा रखा है अंकल ने। आओ अब देर न करो। लेकिन अभी अजय द्वार के निकट पहुंचा ही था कि तभी, कौन हो तुम? मैं कहीं तुम वही तो नहीं जिसका पीछा करते हुए दो बदमाश अभी अभी यहां आए थे? हाँ मैं वही हूं। लेकिन मेरा विश्वास करो बच्चों, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। तो फिर तुम कौन हो? तुम्हें इस गुप्त रास्ते का कैसे पता लगा? बताता हूं, लेकिन वचन दो, सब कुछ जानने के बाद तुम लोग मेरी मदद करोगे। अगर हमारे लिए संभव हुआ तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। मैं जानता हूं तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। तुम लोगों के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। बिन जाने बिन पहचाने आपको हम पर इतना भरोसा कैसे हो गया महाशय? शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जो तुम लोगों को न जानता हो। मैंने तुम लोगों को देखते ही पहचान लिया था। तुम तीनों मकड़ी रानी के साथी अजय, विजय और टिंगू हो। ओह, कहीं आदमी जानबूझकर कोई योजना बनाकर तो यहां नहीं आया है? खैर पहले इसकी पूरी बात सुन ली जाए, तत्पश्चात ही कोई निश्चय करेंगे। तभी आगंतुक अजय की सोचों को भंग करता हुआ बोला, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पहुंच गया, वरना न जाने क्या होता। आखिर आप हैं कौन? वे बदमाश आपका पीछा क्यों कर रहे थे? मैं डिफेंस रिसर्च लैब का वैज्ञानिक शशिकांत वर्मा हूँ। हम पांच वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने एक ऐसी विध्वंसकारी तोप के निर्माण का प्लान तैयार किया है जो बारूद की जगह किरणें फेंकेगी, जो आकाश और पानी के नीचे 1000 मील की दूरी तक मार कर सकेगी। इस तोप से निकलने वाली किरणें सूर्य ऊर्जा द्वारा एकत्रित होंगी। इस तरह ये तोपें हमारे देश की सैनिक शक्ति को बढ़ाने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी उसकी तुलना में खर्च बहुत कम आएगा। वंडरफुल, ऐसी तोपें हमारे देश में बनने लगी तो हमें बाहरी देशों से तोपें कभी नहीं खरीदनी पड़ेगी। लेकिन आपने जो कुछ बताया उसका जिक्र हमने न तो कहीं सुना है न अखबार में इसकी चर्चा हुई है। हमारे इस प्रयास को पूर्णतया गुप्त रखा गया था, परंतु शायद किसी तरह यह भेद विदेशी ताकतों की जानकारी में पहुंच चुका है। क्या मतलब? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपके विभाग का ही कोई आदमी विदेशी जासूस है? तभी टिंग उकताए स्वर में बोला, लेकिन आपके इन बातों का उन बदमाशों से क्या ताल्लुक है? वही तो बताने जा रहा हूं। मैं यह तो नहीं जानता कि बाहरी लोगों को हमारे प्लान की जानकारी कैसे हुई और हम में से कौन गद्दार है। लेकिन यह सच है कि तोपों के प्लान को थियाने के लिए ही मुझ पर हमला किया गया था। ओह, तो वे बदमाश इसलिए आपका पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे थे? फिर तो वह प्लान इस समय भी आपके पास होगा? नहीं। क्या? कुछ देर बाद अपने आश्चर्य पर काबू पाते हुए जय व्याकुल स्वर में बोला, तो क्या वे बदमाश आपसे प्लान छीनने में कामयाब हो चुके हैं? नहीं। प्रोफेसर शशिकांत का इनकार सुन टिंगू से रानी गया। वह चिढ़कर बोला, प्लान आपके पास है नहीं तो फिर प्लान है कहाँ? आखिर आप पहलिया क्यों बुझा रहे हैं प्रोफेसर अंकल? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि प्लान कहाँ है? तब प्रोफेसर शशिकांत स्पष्ट करते हुए बोले, आज जब मैं लैब में सिम में प्लान को अंतिम रूप दे रहा था तो अचानक मेरे चीफ मिस्टर देसाई ने मुझसे कॉल करके पूछा, शशिकांत प्लान तैयार है? यस सर, बस थोड़ी देर में प्लान की प्रतियां करवाकर आपसे मिलता हूं। नो शशिकांत, अभी प्लान की प्रतियां निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर, बात यह है शशिकांत की तोपों के बारे में जो फाइल मंत्रालय को भेजी गई थी उसमें कोई बात मंत्री महोदय की समझ में नहीं आ रही है, इसलिए तुम सब इसी समय प्लान लेकर मंत्रालय पहुंच जाओ और मंत्री महोदय को बारीकी से सब कुछ समझा दो।
जैसे आपके आगे सर मैं भी चला जाता हूं, पर देखो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम प्लान अपने साथ ले जा रहे हो। क्लियर कार्ड अभी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। यस सर। तत्पश्चात मैंने प्लान पेपर को मोड़कर अपनी भीतरी जेब में छुपा लिया। तभी मुझे क्लियर कार्ड मिल गया और मैं बिना किसी रोक टोक के लैब से निकल आया। यस सर, मंत्रालय चलना है। ओके सर। और फिर लेकिन अभी हमारी कार सुनसान डलहौजी स्क्वायर पर पहुंची थी कि तभी अचानक सामने आकर रुकी कार में से एक हाथ बाहर निकला और धाएं खतरा। ओ कभी प्रोफेसर अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप नीचे उतराओ। आता हूं। लेकिन कार से उतरते ही झूम आह, अपने साथी पर मुझे हमला करते देख दूसरा आदमी तेजी से मुझ पर झपटा, परंतु मैं तैयार था। ठाक आह, वह छिटक कर दूर जा गिरा। फिर मैंने देरी नहीं की और पूरी ताकत बटोर कर भाग खड़ा हुआ। उठो जल्दी, अगर वह भाग निकला तो हमारी खैर नहीं। लेकिन इससे पहले कि वे मेरा पीछा करते मैं खंडर की ओर में पहुंच चुका था। वो लगता है वहां कोई मेरा मेला लगा है। अगर मैं वहां तक पहुंचने में सफल हो गया तो बदमाश उस भीड़ में मुझे आसान से ढूंढ नहीं पाएंगे। दिमाग में उपजे विचार से उत्साहित हो मैं बिना बिना एक क्षण गंवाए फिर दौड़ पड़ा। जल्दी मैं मेले की भीड़ में जा समाया। अब वे बदमाश में मुझ तक नहीं पहुंच सकते। यह सोच मैं अभी पूरी तरह निश्चिंत भी नहीं हो पाया था कि तभी वो रहा। ओह, अगले पल में उल्टे पांव दौड़ पड़ा। भागते हुए मुझे प्लान की सुरक्षा की चिंता खा रही थी। यह कम वक्त मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कहीं हमारा प्लान भी दुश्मन के हाथ न लग जाए। पहले मुझे प्लान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। इस विचार के आते मैं खिलौनों की दुकान के पास रुक गया और बड़ी सफाई से मैंने अपनी जेब में रखा प्लान एक रबड़ के गुड्डे के अंदर पहुंचा दिया। फिर गुड्डा यथा स्थान रख मैं जैसे ही मुड़ा। ओह, भागने की कोशिश करना बेकार है प्रोफेसर, चुपचाप हमारे साथ चले चलो वरना बेमौत मारे जाओगे। तुम लोगों की यह हसरत कभी पूरी नहीं होगी। कहने के साथ ही मैंने उन्हें धक्का दिया और भाग खड़ा हुआ। मेन रोड पर पहुंचते ही मुझे टैक्सी मिल गई, लेकिन टैक्सी अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि मैंने उन दोनों को दूसरी टैक्सी में सवार होते देखा। ओह, जल्दी बदमाशों की टैक्सी मेरी टैक्सी का पीछा कर रही थी। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ। जी तेज, और तेज, और तेज नहीं चल सकता साहब, सड़क पर ट्रैफिक है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो आगे टैक्सी किसी खाली रोड पर मोड़ लेना। मेरे आदेश के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर ने आगे चलकर टैक्सी एक खाली सड़क पर मोड़ दी और रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन वो इन बदमाशों से पीछा छुड़ाना मुश्किल नजर आता है। फिर कुछ सोचकर, यह लो तुम्हारा भाड़ा, चेंज रख लेना। लेकिन साहब आपको उतरना कहाँ है? आगे जैसे टर्न आए तुम टैक्सी रोक लेना और मेरे उतरते ही आगे बढ़ जाना। ड्राइवर ने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। जान बचाने के लिए मैं समीप की ही की कोठी में दाखिल हो गया। मुझे नहीं मालूम था यहां मेरी मुलाकात तुम लोगों से होगी। वो तो इस तरह आप यहां तक आ पहुंचे, लेकिन आपको इस कमरे के गुप्त रास्ते का कैसे पता चल गया? मैं खतरा टलने की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी मैंने उन बदमाशों को कोठी में दाखिल होते देखा। तब कोठी में घुस मैं छुपने की ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां बदमाशों की नजर मुझ तक न पहुंच सके। अचानक मुझे गुप्त गुप्त द्वार नजर आ गया और मैं उसमें दाखिल हो गया। यह तो अच्छा हुआ कि आपको गुप्त द्वार मिल गया और आपकी जान बच गई, लेकिन वह प्लान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। इससे पहले कि कोई उस गुड्डे को खरीद कर ले जाए, उस प्लान को हासिल करना जरूरी है। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अभी जाते हैं और गुड्डे सहित प्लान लाकर आपके हाथों में रख देते हैं। शाबाश, बस मैं वह प्लान मंत्रालय तक पहुंचा दूं, उसके बाद चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे परवाह नहीं है।
आपको कुछ नहीं होगा। इस प्लान की हिफाजत के साथ साथ आपकी हिफाजत का भी वचन देते हैं। हाँ अंकल, जब तक हम उस गद्दार जासूस को नहीं पकड़ लेते, आप यहीं रहिए। लेकिन सारी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। बस अब आप हमें उस खिलौनों की दुकान का नंबर या कोई खास पहचान बता दीजिए। शॉप का नंबर 12 है। एक पतला दुबला दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी उस दुकान का मालिक है। तत्पश्चात प्रोफेसर अजय विजय और टेंगू को दुकान की स्थिति और गुड्डे की आकृति के बारे में बताने लगा। प्रोफेसर से हर बात बारीकी से समझने के बाद वे तीनों उन्हें जल्दी आने का आश्वासन दे वहां से चल दिए। आधे घंटे बाद वे मेला ग्राउंड में थे। भगवान करे वह गुड्डा भी अपनी जगह पर मौजूद हो। हाँ, वरना उस प्लान को ढूंढ निकालना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द शॉप नंबर 12 तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इतने बड़े बाजार में शॉप नंबर 12 को जल्दी ढूंढ पाना मुश्किल है। पता नहीं वह दुकान किस तरफ पड़ेगी। क्यों ना हम अलग अलग होकर अलग अलग रास्तों से दुकान को ढूंढे। जो भी पहले दुकान पर पहुंचे वह गुड्डा खरीद ले। हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं भी सहमत हूं। और फिर वे अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। शॉप नंबर 12 पर सबसे पहले टिंगू पहुंचा। क्या चाहिए बेटे? वाह, जरूर वही है गुड्डा, मैं सही समय पर पहुंचा। टिंगू ने फौरन गुड्डे की मांग की और दुकानदार को उसके द्वारा मांगी कीमत चुकाकर गुड्डा खरीद लिया। मुझे यहीं भी अजय विजय का इंतजार करना चाहिए, वे आते ही होंगे। लेकिन अभी टिंगू को वहां खड़े इंतजार करते मुश्किल से कुछ ही क्षण हुए थे कि तभी, अरे रे क्या करते हो? टिंगू ने प्रतिरोध किया लेकिन बेकार। पकड़ो पकड़ो चोर चोर मेरा गुड्डा। परंतु देखते देखते वह व्यक्ति टिंगू की नजर से ओझल हो गया। ओह, अब मैं क्या करूं, इस भीड़ में उसे कहां ढूंढूं? तभी, अरे टिंगू, तुम यहां खड़े क्या सोच रहे हो? फिर टिंगू की नजर जैसी अजय विजय पर पड़ी। अजय भैया गजब हो गया, क्या हुआ? तब टिंगू ने उन्हें सारी घटना सविस्तार बता दी। टिंगू की बात सुनने के बाद अजय और विजय भी चिंतित और परेशान हो उठे। यह तो बहुत बुरा हुआ, अब हम प्रोफेसर को क्या जवाब देंगे? फिर विजय टिंगू पर बरस पड़ा। ऐसे तो बड़े फन्ने का बनते हो, पर एक गुड्डा तक तुमसे संभलानी गया। मैं क्या करता, यह सब अचानक ही हो गया। यह सब तुम्हारी लापरवाही के कारण ही हुआ है। तभी अजय हस्तक्षेप करता हुआ बोला, बेकार की बहस छोड़ो और यह सोचो कि अब हमें करना क्या चाहिए। तुम ही कुछ सोचो ना अजय भैया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब कुछ देर सोचने के बाद अजय बोला, मैं फौरन प्रोफेसर साहब के चीफ मिस्टर देसाई से मिलकर उन्हें सारी बात बता देनी चाहिए, क्योंकि प्लान की खोज बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। यह कार्रवाई मिस्टर देसाई की रिपोर्ट पर ही शुरू होगी। शायद तुम ठीक कहते हो, अभी तक मिस्टर देसाई अंधकार में ही होंगे। ऐसा करने से पहले क्यों ना हम मकड़ी दीदी की सलाह ले लें? या क्यों भूल रहे हो कि मकड़ी दीदी किसी खास केस के सिलसिले में बाहर गई हुई है और उनसे संबंध स्थापित करना मुमकिन नहीं है। तभी विजय निर्णायक स्वर में बोला, मेरे विचार से मैं हमें मिस्टर देसाई से फौरन मिलने चल देना चाहिए। तब तीनों एक मत हो मेला ग्राउंड से बाहर निकलाए। अजय ने निकट ही के एक टेलीफोन बूथ से डिफेंस रिसर्च लैब का नंबर मिलाकर मिस्टर देसाई से मिलने की इच्छा प्रकट की। तो, सॉरी मिस्टर देसाई, समय यानी है, वे अपने बंगले पर हैं। क्या आप मुझे उनका पता बताने का कष्ट करेंगे? अवश्य। फिर दूसरी तरफ से जो पता बताया गया उसे नोट करने के बाद अजय संबंध विच्छेद कर बूथ से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद तीनों एक टैक्सी में बैठ मिस्टर देसाई के बंगले की ओर जा रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद टैक्सी से उतर अजय ने बिल अदा किया और अपने साथियों के साथ गेट पर स्थित मिलन कक्ष में दाखिल हो गया। फिर रिसेप्शनिस्ट को अपना और अपने साथियों का परिचय देने के बाद बोला, हमें मिस्टर देसाई को एक बहुत जरूरी जानकारी देनी है, इसलिए हम उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। वेट ए मिनट,
तब सिक्योरिटी अधिकारी ने इंटरकॉम पर मिस्टर देसाई से बात की और उनकी स्वीकृति मिलने पर एक सैनिक को बुलाकर बोला, इन बच्चों को प्रोफेसर साहब के पास ले जाओ। जी जनाब। सैनिक अजय और उसके साथियों को साथ ले मिलन कक्ष के बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद, तो आप लोग हैं देश के मान बाल जासूस अजय, विजय और टिंगू? जी, आओ बैठो। तब जब अजय, विजय और टिंगू सोफे पर विराज गए तो मिस्टर देसाई बोले, मैंने तुम लोगों का बहुत नाम सुना था, आज तुम लोगों को अपने निवास स्थान पर देख मुझे जितनी खुशी महसूस हुई उतनी हैरानी भी। बात ही कुछ ऐसी है कि हमारा आपसे मिलना जरूरी हो गया था। तब मिस्टर देसाई सोफे पर दस्ते हुए बोले, क्या बात है, हम अपनी बात आपसे एकांत में कहना चाहते हैं। विजय के शब्दों का अभिप्राय भापते ही मिस्टर देसाई ने द्वार पर खड़े सैनिक को वापस भेज दिया और फिर, हाँ बोलो, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? हम आपको नई आविष्कृत तोपों के प्लान को उड़ा ले जाने की जानकारी देना चाहते हैं। व्हाट? तब विजय ने प्रोफेसर शशिकांत से मिली जानकारी और मेले में घटी घटना के बारे में विस्तार से बता दिया। अजय की बात सुनने के बाद मिस्टर देसाई गुस्से में बिफर कर बोले, नॉनसेंस, वह देश का गद्दार कोई और नहीं, स्वयं शशिकांत है। उसने तुम्हें जो कहानी सुनाई है वह मनगढ़ंत और झूठी है। शशिकांत आज बड़े रहस्यमय ढंग से प्लान लेकर तैयार गायब हो गया था। जैसे मुझे प्लान के गायब होने की सूचना मिली, मैंने रक्षा मंत्रालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस, सीबीआई और अन्य जासूसी एजेंसियां शशिकांत की खोज में लग चुकी हैं। सभी स्टेशनों, बस अड्डों और एयरपोर्ट्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ओह, बड़ा बेवकूफ बनाया हमें प्रोफेसर शशिकांत के बच्चे ने। तो क्या शशिकांत का पीछा कर रहे आदमी गुप्तचर विभाग के थे? क्या गुड्डे की कहानी प्रोफेसर ने हमें हमारे घर से हटाने के लिए सुनाई थी? इस विचार के मस्तिष्क में आते ही अजय बरबस ही बोल उठा, अब समझ में आया, टिंगू से गुड्डे का छीना जाना भी शशिकांत की चाल थी ताकि उसकी झूठी कहानी की पोल न खुले, पर अब वह गद्दार कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। यू आर राइट, तुमने मुझे सब कुछ बताकर सरकार की बहुत बड़ी सिरदर्दी कम कर दी है। मैं भी पुलिस को खबर करता हूँ। ठहरी अंकल, पुलिस को अभी खबर करना उचित न होगा, कहीं ऐसा न हो खतरा बाप वह वहां से भी फरार हो जाए। उस एक खिलाड़ी के सामने हम तीनों नाड़ी बनकर रह गए हैं अंकल, पर अब हम ही उसका बाजा बजाएंगे। क्या प्रोफेसर शशिकांत सचमुच विदेशी ताकतों के हाथ बिक चुका था? क्या अजय, विजय और टिंगू शशिकांत को पकड़ सके? तोपो के प्लान को उड़ाने के पीछे किसका हाथ था? प्रोफेसर शशिकांत का पीछा करने वाले आदमी कौन थे? प्रोफेसर शशिकांत की कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी थी? इन सब प्रश्नों के उत्तर जाने के लिए पड़े तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है, कौन सच्चा कौन झूठा। अगर कौन सी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, कौन सच्चा कौन झूठा में।